जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, के हाल चाल हैं? उम्मीद करते हैं सब किसान भाई खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब हजरात को मालूम है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, लंपी स्किन डिज़ीज़ आई हुई है, जो कि शाज़ो नादर ही होगा, किसी फार्मर को नहीं पता होगा कि लंपी स्किन क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मसला आजकल जो चल रहा है, बीमारी तो आ गई है तो कंट्रोल भी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में काफ़ी कवर हो गई है, न्यू केस आने बंद हो गए हैं। जो ये पुराने केस चल रहे हैं वही उनको ज़्यादा मसला आ रहा है। तो और आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा ये है कि जो लंबी स्किन के जो न्यूडल्स हैं वो फट रहे हैं, फटने के बाद ये हालात हो रहे हैं आपके सामने कि ज़ख़म कवर नहीं हो रहे। आज हम इसके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो आज हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इन ज़ख्मों को अच्छी तरह वाश करेंगे। वाश करने के बाद जो जो मेडिसिन करेंगे आप हज़रा से शेयर करेंगे, ठीक है? तो आजकल मेडिसिन कंपनियों वालों ने भी लूटने वाली इंतहा कर दी है, ठीक है? तो जो कि हम, एक तो हमारा किसान, गरीब फार्मर जो के जानवर के ये हालात देखकर बहुत परेशान है, ठीक है? तो ऊपर से इनको कोई भी मेडिसिन जो इसमें यूज़ हो रही है, कोई स्प्रे होगी, कोई एंटीबायोटिक होगी, वो बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। कंपनी वालों ने जुल्म की इंतहा कर रखी है कि इस भाई ने, हमारा ये भाई है, इसने स्प्रे मंगवाई थी तो वो भी सिफारशों के साथ, और ये इन्होंने 2-3 स्प्रे लगा चुके हैं, उसके बाद अब 6 दिन हो गए तकरीबन कॉल कर रहे हैं तो और स्प्रे नहीं मिल रही इनको। जो स्प्रे इन्होंने मंगवा के पहले लगाई है, यूज़ की है, वो आपको दिखाते हैं कौन सी स्प्रे है, ठीक है? और अब इन्होंने 2-3 दफ़ा कॉल की है, सिफारिश की है, उसके बाद भी इनको स्प्रे अवेल नहीं हो रही। पहले इन्होंने ये 2 स्प्रे लगाई हैं, बायोक्लोर के नाम से आई है, ये सिल्मोर कंपनी की है, जो कि ये पहले इसकी रिटेल बहुत कम थी, जो कि अब इन्होंने बढ़ा के कंपनियों वालों ने तो ये 50% से भी ऊपर ले गए हैं, ठीक है? अब ये 780 रुपये रिटेल है, तो अब न्यू रिटेल इसकी है, सुनने में आ रहा है कि 1000 रुपये आ रही है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, चलो 1000 रुपये ले लें तो अवेल तो हो ना, मिल भी नहीं रही। अच्छा भाई ने हमारे ना मुल्तान से सिफारिश करके मुल्तान से स्प्रे मंगवाई थी ये, तो जो कि अभी तक रिजल्ट आपके सामने है, ठीक। आज हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, बस इनको अल्लाह पाक शफा दे, ठीक, और कंपनियों वालों को हदायत दे। ये पैसा, ये चीज़ें, हर चीज़ इधर ही रह जानी है, ठीक है? ये बेज़बान जानवर हैं, इनका एहसास करें थोड़ा सा। तो और जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट लाजमी करें। तो आप जो भी मेडिसिन करते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं, तो चलो ये करते हैं मेडिसिन। तोड़ तक चलाना पैना भाई, है बेहतरी है कि हाँ जी, हाँ फीडबैक देनी पड़ेगी। हाँ। ये जी हमने इसकी अच्छी तरह से सफाई की है, इसका जो डेड मास थे वो बाहर निकाले, रेशा वगैरह अच्छी तरह से साफ सफाई की है पायोडीन से, ठीक है? अब हम इसके अंदर पायोडीन के अंदर डीप करके बैंडेज वो हम इसके ऊपर लगा के ऊपर से बैंडेज करेंगे। तो साथ एक और नुस्खा जो आजकल हम यूज़ करवा रहे हैं, तो वो हम इसमें यूज़ करवा रहे हैं कि तारपीन का तेल, कफूर की टिक्कियाँ और फरनैल की टिक्कियाँ, और जो कहते हैं ना काला तेल, घासा तेल,
वो 500 ml, ये सारी चीज़ें मिक्स करवा के हम रेगुलर इसके ऊपर लगवाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी लगाने से इसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर कला काला तेल लगाने से तो आपके सामने ये हालात है, ऐसे हो गया इसका। पहले इसको काला तेल ही लगता रहा, तो बाद में इसने उन्होंने स्प्रे लगाई है, तो उसके सामने उसके मुताबिक रिज़ल्ट आपके सामने, ठीक है। इसके साथ हम कोई एंटीबायोटिक लगाएंगे, जैसे कि पेंसिलिन ग्रुप 10 ग्राम, और पेन किलर लगाएंगे। तो स्प्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ। क्यों कान पवे ना, कल तक इन्हें मूंह घुमाना कर जाना है। हाँ एवं ही है, पीछे आएगा पीछे मार दो, पीछे काफी ये जी जो मेडिसिन हम यूज़ करने लगे हैं, इसमें हमारे पास बैग के अंदर जो अवेल है, ये हमारे पास पीजीवेट 10 ग्राम है पेंसिलिन ग्रुप का, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हम लगाएंगे एडिका वाइटामिन AD3, ठीक है, आप इसकी फार्मूलेशन देख सकते हैं। और इसके साथ हम लगाएंगे एवरमेक्टन सब कट लगेगा ये वाला, और इसके साथ हम लगाएंगे एंटीवेल, ठीक है। आज की मेडिसिन यही होगी, तो कल इंशाल्लाह हम इसका फीडबैक देंगे आपको, कल दोबारा इसकी सफाई अच्छी तरह करके तो दोबारा मेडिसिन रिपीट करेंगे, तो आप 1000 से इसकी जो भी कंडीशन हुई आपको शेयर करेंगे। और मज़ीद एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट लाजमी करें। अगर किसी भाई का कोई भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।